दौरे पर आएंगे, वे आम सभा स्थल रावण का चबूतरा मैदान पर संबोधित करेंगे। मोदी के जोधपुर प्रवास को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खास उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री राजस्थान में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों की राजस्थान में करोड़ों रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें जोधपुर IIT, एम्स ट्रॉमा सेंटर, एल सेंटर और नया एयरपोर्ट टर्मिनल भी शामिल है। इन परियोजनाओं के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर के साथ प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखेंगे। कुल 480 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की जाएगी। वे IIT जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह अत्याधुनिक परिसर 1135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में दो नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन रुनीचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को खामली घाट से जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगदीश लोहार सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जगदीश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर दौरा है, अगर बात करें उनके दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की, तो क्या कुछ खास व्यवस्था वहां पे देखी गई है? बिल्कुल फातिमा, बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार जोधपुर दौरा है और ये जो दौरा है, दौरे को देखते प्रशासन द्वारा पूरे माकूल व्यवस्था कर दी गई है और चार चौपड़ व्यवस्था कर दी गई है और उनकी जो तैयारियां जो है वो कल ही पूरी कर दी गई। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री द्वारा करीब 5,000 करोड़ की जो योजना का शिलान्यास मुख्य प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, उसको देखते हुए जोधपुर वासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पे कह सकते हैं प्रधानमंत्री की जो सौगात है जोधपुर वासियों को काफी राह जाएगी। जी जगदीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे, तो उनके सभा में कितने लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है, और अगर बात करें भाजपा कार्यकर्ताओं की, तो किस तरीके का उत्साह उनमें देखा जा रहा है? बिल्कुल फातिमा, बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री द्वारा एक आम सभा का आयोजन जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में किया जा रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनका ऐलान है कि करीब लाखों की तादाद में विभिन्न जिलों से लोग वहां पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री की बात को सुनेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीश तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जोधपुर दौरे पर आएंगे, वे आम सभा स्थल रावण का चबूतरा मैदान पर सभा को संबोधित करेंगे, जिसके मद्देनजर खास सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है और साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है।